नमस्कार दोस्तों, पाव सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक और रेगलान लाइन डिज़ाइन टॉप टू डाउन लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 9 फंदे डाले हैं और ये रॉन्ग साइड है, तो 9 फंदों को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। 4 फंदा बाजू की ओर का और 4 फंदा फ्रंट साइड का, और 5वां फंदा यानी सेंटर फंदा जो है वो इस पर हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो 4 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, और 5वें फंदे में हम 3 फंदा बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा बुन लिया, सिलाई में 2 बार ऊन लपेट के और फिर सिलाई पर ऊन चढ़ाया, और इसी में एक बार और उल्टा बुन लिया, सिलाई में 2 बार ऊन लपेट के, और शेष 4 फंदे उल्टे। सेकेंड रो और फ्रंट साइड 2 फंदा सीधा बुन लेंगे, और हमारा ये जो लपेटा हुआ फंदा है उसे 2 फंदे के पहले कर लेंगे। 2 फंदे के पहले, ये पहला लपेटा फंदा है, इसे 2 फंदे के पहले कर लेंगे और फिर तीनों को सीधा बुन लेंगे। लपेटे हुए फंदे का ये बीच का फंदा है तो इसे सीधा बुनेंगे, और ये लपेटा हुआ फंदा, ये तीसरा फंदा है, इसे 2 फंदे के बाद कर लेंगे और फिर तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। और साइड के 2 फंदे उसे सीधा। थर्ड रो और रॉन्ग साइड 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे, तीन फंदा बनाने से एक फंदा इस साइड में बढ़ गया है, तो 5 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये सेंटर फंदा है तो इसमें हम फिर से 2 बार ऊन लपेट के एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन सिलाई में ऐसे चढ़ाएंगे और फिर इसी में एक बार और 2 बार ऊन लपेट के उल्टा, तो यानी हमने सेंटर फंदे से 1 से 3 फंदा बना लिया, और शेष किनारे के 5 फंदे इसे उल्टा बुन लेंगे। फोर्थ रो और राइट साइड अब 3 फंदे सीधा बुनेंगे। देखिए, इसमें हमने पिछली बार में ट्विस्ट किया था, तो ये फंदा भी अब सीधा बुनेंगे और फिर 3 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे, तीसरे फंदे को 2 फंदों के पहले लाएंगे। इसे हम राइट साइड में ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। ये लपेटा हुआ फंदा है, इसे हमने 2 फंदे के पहले ट्विस्ट कर लिया, फिर 3 फंदे सीधा बुनेंगे, और फिर ये सेंटर फंदा है इसे सीधा, और तीसरा लपेटा फंदा है इसे खोलेंगे और 2 फंदे के लेफ्ट में कर देंगे और फिर तीनों को सीधा बुन लेंगे। और साइड के 3 फंदे इसे सीधा। रॉन्ग साइड से हमें पहले वाला लाइन फिर से दोहराना है, यानी कि 6 फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, छः फंदे उल्टा बुन लिए। 7वां फंदा हमारा सेंटर का फंदा है, इसमें हम 1 से 3 फंदा बनाएंगे, सिलाई में 2 बार ऊन लपेटेंगे, एक उल्टा बना लिया, फिर ऊन सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर इसी में एक बार और सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा है, यानी सेंटर फंदे से हमने 3 फंदा कर लिया और शेष सभी फंदे उल्टे। सिक्स्थ रो और फ्रंट साइड 4 फंदा सीधा बुन लेंगे और फिर लपेटे हुए फंदे को 2 फंदे के पहले कर लेंगे और फिर इन तीनों को सीधा बुन लेंगे।
सेंटर फंदा इसे सीधा बुन लेंगे और फिर यह दूसरा लपेटा हुआ फंदा है इसे दो फंदे के बाद कर लेंगे और तीनों को सीधा बुन लेंगे और साइड के चार फंदे इसे भी सीधा। तो फ्रेंड्स, दो लाइन का ही ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं दोनों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है। जितना हमको लंबा चाहिए उतना हम बना लेंगे, इन्हीं दो लाइनों को दोहराते हुए हमको जितना लंबा चाहिए उतना हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन आपके सामने है। ऐसे ही ये पत्ती की तरह बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो इसे आप अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, इसे आप अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।